दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एसडीएम करावल नगर ने स्क्रैप कारोबारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की। करीब 5 दर्जन गोदामों को सील कर दिया गया। वहीं मार्केट के जनरल सेक्रेटरी सलाउद्दीन के मुताबिक अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सटीक जानकारी नहीं दी गई है। नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये सरासर जबरदस्ती है। शाम के टाइम 4 बजे एसडीएम साहब की निगरानी में एटीएस आती है, एएटीएस दिल्ली पुलिस की, जिसका यहाँ कोई रोल नहीं है सीलिंग से। और ये ज़मीन जो है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये डीडीए लैंड है, इसका गजट हो चुका है, ये हैंडओवर हो चुका है एसडीएम साहब ने। पिछले एसडीएम साहब जो पुनीत कुमार पटेल थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है। और तकरीबन 15 साल से हम लोगों के यहाँ गोदाम बने हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट के निर्देश पर यहाँ एक ज्वाइंट टीम सर्वे कर चुकी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि यहाँ कोई पोल्यूशन की एक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ कोई वायलेशन नहीं होता है, यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी वो भी अभी सीलिंग कर रहे हैं, एसडीएम साहब गाड़ी में शीशा बंद करके बैठे हैं, हमसे बात करके राज़ी नहीं हैं, हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, हम लोगों को कोई पेपर नहीं दे रहे हैं सीलिंग के बाद, ना सीलिंग से पहले कोई नोटिस दी है। एसडीएम साहब का नाम बता दीजिए एक बार। एसडीएम साहब शायद संजय सोंधी हैं, मेरी तो मुलाकात नहीं है पहले, आज ही मैं अभी देखा भी नहीं हूँ ब्लैक शीशे की गाड़ी में। कितने आपके यहाँ गोदाम? हम लोगों के 50 से ज़्यादा गोदाम सील कर दिए गए हैं, बहुत सारे गोदामों में लेबर अंदर है, वो सील कर दी है। इसके अलावा इन सारे गोदामों में लेबर रहती थी, अब ये सील कर दिए हैं। ये रात को सारी लेबर कहाँ जाएगी, ठंड में कहाँ जाएगी, ये सर्दी के इस मौसम में लेबर कहाँ जाएगी? छोटा गेट बड़ा गेट सारा सील कर दिया है, तो लोग कहाँ रहेंगे, लेबर कहाँ रहेगी? यहाँ अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि अभी आपने कहा था कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, हम कोर्ट जाएंगे, हम लोग पहले भी एनजीटी जा चुके हैं, हम हाई कोर्ट 2 बार जा चुके हैं, हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे इसी इनके इस जुल्म के खिलाफ। ये इन्होंने जाति की है, जुल्म किया है और सरासर अन्याय किया है हमारे साथ। कम से कम हमारा सील कर रहे थे, कम से कम हमें बताना चाहिए 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि आप ये गलती कर रहे हैं, इस वजह से आपकी सील की जा रही है, आपके गोदाम सील किए जा रहे हैं। नहीं, हमारा तो यहाँ पर गोदाम है, और एक्चुअली जैसे कोई नोटिस वगैरह दिया जाता हमें कि भाई ये गलती है, इस वजह से हम सीलिंग करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग कम से कम अपने लेबर और उनका कोई इंतज़ाम कर देते। कोई इंतज़ाम नहीं है, ठंड का मौसम है, लेबर बहुत परेशान हो रही है, सब रोड पे हैं। अचानक से आज अचानक से बिल्कुल आ गए, और क्या नाम है, एकदम ज़बरदस्ती सील कर रहे हैं किसी तरह का। एसडीएम साहब बिल्कुल ब्लैक उनकी गाड़ी है, शीशा है, उसमें क्या नाम है बैठे हुए हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। कैसे देखते हैं, क्या ये प्रशासन की मनमानी है? बिल्कुल प्रशासन की मनमानी है, तानाशाही है, बिल्कुल जबरदस्ती है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद मार्केट के लोग कुछ भी समझ पाने में असमर्थ। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कि आखिर मार्केट को प्रशासन ने अचानक से सील क्यों किया। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए इशरार अहमद की रिपोर्ट।